शेर को देखो जंगल में निरंकुश टहलता है, ताकत ही तो है। मोटिवेशन मतलब उधार का उत्साह, उधार का। कल छोड़ दो, कल छोड़ दो, कल के बारे में सोचो ही मत। आज दुर्गा का अवतार है, विराट कोहली बहुत घटिया खेलता है, कल शिकागो उड़ा देंगे। शक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता, और शक्ति ही भगवान है। धन, मनी, वुमन, मैन, इनके सब बारे में मत सोचो। ये सब बाई प्रोडक्ट हैं। किसके? पावर के। तुम इसके बारे में सोचो दिन रात। सोचना है इसके बारे में, नहीं सोचना है मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। 15-20 होगी। अभी तुम जाओ किसी लड़की के घर पे, उसके फादर से प्रपोजल लेकर ऐसे बेरोजगार होके जाओ, बहुत मारे लाठी निकाल के तुमको। और मार डाले तो कोई डाउट नहीं है, और आईएस बन के जाओ फर्स्ट रैंक। और अगर उसकी दो बेटी बोलेगा दूसरे से भी कर ले, ले जा। पूछने की बेटा तुमको क्या जरूरत थी? और अगर तुम लड़की हो, तुम्हारे वो ससुराल वाले सुबह शाम तुम्हारी आरती उतारेंगे, चंदन लगाएंगे, सास मदर इन लॉ आ जाएंगी रात में, तेल लगे, बेटा बहुत मेहनत करता मेरा बेटा, दुर्गा का अवतार है। खूब सोचो इसके बारे में, और सोच कह रहे हो, काम करो। एक एक दिन को टारगेट करो, एक एक दिन को, आज का दिन टारगेट करो। कल छोड़ दो, कल छोड़ दो, कल के बारे में सोचो ही मत, आज। फिर जब कल सुबह रहो फिर टारगेट करो, और फिर पूरे साल ऐसे करके देखो। कल के बारे में सोचो ही मत, कल को डिलीट मार दो कि बस आज ही मैं जिंदा हूं। आज ही एक्सरसाइज करना, आज बॉडी बनाना, आज प्राणायाम करना, आज पढ़ना है। एक एक दिन तुम स्ट्रांग होते चले जाओगे, और 6 महीने बाद, फिर साल भर बाद क्या स्थिति हो जाएगी तुम्हारी? सड़क पे ट्रक और जंगल में शेर सिर्फ इसलिए बेअंदाज होकर चलते हैं क्योंकि उनके पास ताकत है। अगर कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहते हो तो ताकत पैदा करो। कोहरा पड़ रहा है ना, तब पर भी ट्रक वाले चला रहे हैं 50-60 पे सड़क पे, क्यों? ताकत है ना, उन्हें थोड़ी बचाना है अपने आप को, अगले को जो स्कूटी लिए जा रहे हैं उनको उतर के चलना है कोहरे में। तुम जब तक कमजोर रहोगे शरीर और मन के स्तर पर, महत्वाकांक्षा तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? तुम्हारे पास शक्ति ही नहीं है। उत्साह मोटिवेशन से मत लाना, वो उधार का उत्साह है। उत्साह शक्ति से लाना, अपनी शक्ति से अपनी। शेर को देखो जंगल में निरंकुश टहलता है, ताकत ही तो है। ट्रक को देखो सड़क पे, ट्रक का ड्राइवर देखो कोहरा है फिर भी ऐसे ऐसे चला रहा है, उसको पता है कि भाई मुझे नहीं बचना है, तुमको बचना है। जहां शक्ति है वहां उत्साह है। मोटिवेशन मतलब उधार का उत्साह, उधार का, उतर जाएगा। शक्ति पाने के पीछे जो आकांक्षा है उसके पीछे ये सब रीजन है। तुम्हारा कोई विरोध नहीं करता, तुम्हारा चपरासी है, तुमने उसके सामने कह दिया कि विराट कोहली बहुत घटिया खेलता है, और तुम्हें पता है इसको विराट बहुत पसंद है,
वो कह रहा है जी साहब सही कह रहे हैं, बहुत बहुत इसको तो जूते मानना चाहिए साहब। और शक्ति किस चीज का मजा देती है? जो रोटी तुम खाते हो वही तुम्हारा चपरासी भी खाता है। लेकिन वो वैष्णो देवी में 8 घंटे में लाइन से लगा है और तुम वीवीआईपी एंट्री मार रहे हो। तो बैंक का बाबू हॉस्पिटल में पर्ची कटवा रहा है 3 घंटे से, आदमी दर्द से कराहे जा रहा है। आज के समय में अगर तुम्हारे पास बैकअप नहीं है तो तुम देखो लोगों का ट्रीट व्यवहार देखो कैसा होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ऐसा थोड़ी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सब लोग तुरंत देखने लगते हैं। अगर तुम्हारा बैकअप है कि तुम एडमिट हो गए, बुखार है तुमको हल्का सा, एडमिट हो गए और 7-5-8 लोग तुम्हारे साथ राइफल लेके खड़े हैं, डॉक्टर बैठा रहेगा चेयर लगा के। तुम्हारा कोई आदमी एडमिट है, तुमने कहा डॉक्टर ही मर गया तो साथ में विदा करेंगे तुमको। अरे नहीं साहब, हम अपनी जान निकाल के डाल देंगे। हाँ तुम्हारा गारंटी है डॉक्टर। पाकिस्तान की कंडीशन देखो, इन्होंने पहले इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं किया, मिलिट्री बर्बाद हो गए, हथियार खरीदे जा रहे हैं। किससे लड़ोगे? बोले पता नहीं। लेकिन चाइना ने 3 कंट्री साथ में पैदा हुई, पाकिस्तान 1947, इंडिया 1947, चाइना 1949, ये 3 कंट्रियां एक साथ पैदा हुई और ये आज सुपर पावर की रेस में है। और अगर मैं कहूं सुपर पावर है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी वजह है इसका नेतृत्व, उसके डिसीजंस। भाई तुम गांव में रहते हो, पटीदारों से झगड़ा चल रहा है, तुम्हारे पापा गांव छोड़कर भाग गए बंबई, दो भाई दो बहनों लेके चले गए, बोले भाड़ में जाए गांव, तुम्हारा मकान जमीन सब तुम्हारे रिलेटिव ने कब्जा कर लिया और 20 साल बाद तुम दोनों भाई आईएएस, तुम्हारी दोनों बहनें आईपीएस। अब गांव का क्या होगा? आज अमेरिका जो है ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चलाने दे रहा है। क्यों? बिकॉज यू कैन नॉट एक्सप्लॉइट अ पर्सन हु इज पावरफुल। शक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता, लॉ है ये। तो जैसे ही ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाता है, अमेरिका तुरंत पूछता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों? कहते भैया वो हमारे बच्चों को न्यूक्लियर बॉम्ब दिखाना है। बोले हमसे लेके दिखा दो, डेमो दिखा दो, तुम नहीं बनाओगे। क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर हो जाएगा तो तुम्हें उसे एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे। किसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए उसको कमजोर रखना जरूरी है। नॉर्थ कोरिया, उसके न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली अमेरिका को धमकी देते हैं डेली, टुमारो वी विल इवोपरेट वॉशिंगटन, कल शिकागो उड़ा देंगे। अमेरिका नॉर्थ कोरिया से कहता कि देखो बदतमीजी मत करना, बैठ के बात करेंगे। ताइजोडोंग मिसाइल है 14,000 किलोमीटर और न्यूक्लियर बॉम्ब। अमेरिका कहता तुम्हारे पास इतनी रेंज की मिसाइल ही नहीं, कहते ठीक नहीं है, पिंटू और गुड्डू को मार देंगे। बोले ही कौन है? बोले साउथ कोरिया और जापान। शक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता। तुम चंद्रमा से आंख मिला सकते हो? सारे कवियों ने चंद्रमा पे गाना गाया है और चंद्रमा को मामा बना दिया। जो कमजोर है वो मामा, सूरज की तरफ आंख उठाकर देख लो, जला दे तुमको, आंख ही खा ले तुम्हारी,
शक्ति का शोषण नहीं हो सकता, और शक्ति ही भगवान है। तुम सांत्वना देते हो अपने आप को कि भैया हमारी तमन्ना ज्यादा नहीं, तुम्हारी ताकत ज्यादा नहीं। तमन्ना किसकी नहीं है? तमन्ना सिर्फ उसकी नहीं है जिसने इंद्रियों पर जीना छोड़ दिया, जैसे बुद्ध, महावीर, दादू, रैदास, जो भी इंद्रियों पर जी रहा है। तमन्ना तो है ही है, बस उसने अपने आप को समझा रखा है। जय हिंद फ्रेंड्स। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द पीपल ऑफ यूपी एंड ऑल ओवर नॉर्दर्न इंडिया, मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के सभी लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। और खबर यह है कि इकरा ने कानपुर में अपना ऑफलाइन सेंटर शुरू किया। अब उसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट तो मकसद ये है कि जो ये सिविल सर्विस की महत्वाकांक्षा या सपना जो इधर के लोगों में है, उसके लिए एक अच्छा रास्ता उन्हें दिखाया जाए। इकरा अपना ऑफलाइन क्रैश कोर्स भी देने जा रही है। जो लोग 2022 का प्रीलिम्स देने आ रहे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, 23-24 का जिन लोगों ने प्लान बनाया उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्रैश कोर्स में आपको यह बताया जाएगा क्वेश्चंस फ्रेम कहां से होंगे, क्वेश्चंस निकाले कहां से जाएंगे, प्रीलिम्स की तैयारी करते कैसे हैं, प्रीलिम्स बेसिकली है क्या। इसमें कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, आप ये सोच के मत आना यहां कुछ पढ़ाया उड़ाया जाएगा, नहीं नहीं, पूरी पूरी युद्ध का अप्रोच। इसकी फीस है 10,000, पर फिर वही बात कि 15 फरवरी तक अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो आपको सिर्फ 5,000 रुपए देने होंगे। मुख्य उद्देश्य यही है कि उत्तर भारत की जो एक छवि धूमिल होती जा रही थी, उत्तर भारत की सेवा सभी करते हैं, सब सेवा कर रहे हैं, उत्तर भारत की जो एक छवि धूमिल हो जा रही थी कि नहीं यहां कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, यहां कोई अच्छा संस्थान नहीं है, लड़कों को दिल्ली ही जाना, आपको दिल्ली जाना है आप बिल्कुल जाइए, कौन आपको रोक रहा है, एकदम जाइए। लेकिन इकरा इस चीज का प्रयास करेगी कि इस टैग को हटा लिया जाए कि दिल्ली जाना है। आप सभी, उसके पास पिछले 3 साल का अनुभव है, उसके पास पिछले 3 साल का एक विश्वास है जो उसने अपना बाजार में पैदा किया है, उसके पास एक बहुत अच्छी टीम है टीचरों की जो भारत में एक सर्वश्रेष्ठ टीम है, तो आप इन सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं। जय हिंद।